उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। गुरुवार सुबह शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित निखिल अपार्टमेंट कॉलोनी में ओपन लैंड पर बने आलिशान बंगले पर नगर परिषद एक्सीएन महेंद्र सिंह हाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक मनोज गुप्ता, तहसीलदार अब्दुल हफीज, कोतवाली थानाधिकारी मांगेलाल यादव व नगर परिषद एसआई नरसीलाल स्वामी की मौजूदगी में 600 स्क्वायर फीट सरकारी भूमि पर बनाए गए आलिशान बंगले को 3 JCB मशीन की मदद से गिराया गया। एक्सीएन हाड़ा ने बताया कि सरकारी भूमि पर मकान निर्माण की शिकायत मिलने पर नगर परिषद की ओर से निर्माण करवा रहे थे तेजस सुमन को कई बार नोटिस भिजवाया, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। हाड़ा ने बताया कि भवन निर्माणकर्ता की ओर से कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर गुरुवार सुबह SDM दिव्यांशु शर्मा की मौजूदगी में नगर परिषद टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त करवा दिया। इस कार्रवाई को लेकर शहर समेत जिले भर में दिन भर चर्चाएं चलती रही। बताया जा रहा है कि बंगला पूर्व सभापति कमल राठौड़ के करीबी का है। वहीं भवन निर्माणकर्ता तेजस सुमन का कहना है कि नगर परिषद द्वारा राजनीतिक द्वेषता के चलते ही कार्रवाई की गई। उधर पूर्व सभापति कमल राठौड़ फर्जी पट्टा प्रकरण में फिलहाल जेल में है।